अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी भला करे कि ऐसे शुभ दिन पे वो अशुभ लड़की घर से चली गई, वरना माँ जी साहब तो घट स्थापना भी उसी से करवा लेती। ओहो भाभी साहब, आप उस लड़की का ना नाम मत लो इस घर में। हाँ भारती जी, आपने ना बिल्कुल सही कहा। अब तो बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि वेद को उसकी पसंद की दुल्हन मिल जाए, जैसे कि मेरी बहन पूजा। तारी बहन काहे के लिए, मारी बहन क्यों नहीं? गोवर्धन, तारे को क्या होया? मुंह क्यों लटका पड़ा है थारा? कोई मर गयो है क्या? मरे मारे दुश्मन, माने तो दुख इस बात का बड़ी भाभी साहब की, छोटी भाभी साहब के ब्याह के बाद उनका इस घर में पहला त्योहार था और आज वो इस घर में नहीं है। सोचो कितना अच्छा होता ना, जब छोटे भाई साहब और छोटी भाभी साहब दोनों साथ में नवरात्रे की पूजा करते तो। हाँ हाँ सुन लिया गोबर, अब अपना काम कर जाके, ठीक है? सच में ना ये बिल्कुल हनुमान है, जब देखो तब अपनी विधि भाभीसा का नाम ही जपते रहता है। गुड़ गोबर कहीं का। रे दिव्या नाम मत लो धोखेबाज का। भाभीसा कटे रखो इसे। गुड़ गोबर जे कहिए लबा लब काई भर के लाया है? भाभीसा आपने तो बोला था पूरा भरने को, थोड़ा खाली छोड़ना है, आपने बोला को नहीं। अरे सत्यानासी, गुड़ गोबर कहीं का, जा यहां से। अगर ऐसे ही विधि का गुणगान करता रहा ना तो माजी साहब कहीं उसे वापस लाने के बारे में ना सोचने लग जाए। अरे भाभी फिकर नॉट, इस बार तो समझो कि विधि परमानेंटली गई। बिल्कुल, इस घर में उसकी इतनी बेइज्जती हुई है ना कि दोबारा इस घर में पाँव नहीं रखेगी। नौ दुर्गा में माँ दुर्गा के नौ अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माँ के पहले रूप का नाम शैलपुत्री है। माँ के स्वरूप की पूजा क्यों होती है बेटा, पता है ना? शैलपुत्री यानी पर्वतराज की पुत्री पार्वती, जिन्होंने अपने तप से स्वयं महादेव को अपने पति के रूप में पाया। हर अड़चन को दूर करके, हर बाधा को पार करके शिवजी को पाया था पार्वती माँ ने। किसी विपत्ति के आगे हार ना मानी थी, क्योंकि वो जानती थी कि महादेव शिवजी के साथ उनका जन्म जन्मांतर का नाता है। पिछले जन्म में भी वो शिवजी की पत्नी सती थी। ये रिश्ते नहीं टूटते हैं बेटा, विधि के साथ तुम भी अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते, वो तुम्हारी पत्नी है, इस घर की बहू है। वो इस घर की बहू हो सकती है पर मेरी पत्नी नहीं।
शैल पुत्री के लिए शिवजी को पाना उनका एकमात्र लक्ष्य था। जिस तरह से बेटी ने मेरा अपमान किया, क्या माँ पार्वती भी इतना अपमान सहती महादेव से? चमायसा को गलत फहमी हुई है, शिवजी को भी गलत फहमी हुई थी। उन्हें लगा था कि कामदेव ने बाण पार्वती के कहने पर चलाया था। पार्वती पर बहुत नाराज हुए थे, लेकिन पार्वती ने तपस्या की और शिवजी को मनाकर ही मानी। तू ही बता लाड़ो, इतने दिनों से क्या वेजी ने कभी थारे साथ बुरा बर्ताव किया था कभी? नहीं ना। अरे चार लोगों ने जहर भरा है वेद जी के दिमाग में, और उस जहर को थारे को ही दूर करना है। तू उनकी पत्नी है, उस घर के लोगों के दिल से नफरत को हटाकर प्यार भरेगी तो जमायसा के आंखों पर जो गलतफहमी का पट्टा चढ़ा है वो उतर जाएगा। मेरी आंखों पर लगी पट्टी हट चुकी है माँ, तभी जाके मैं विधि शर्मा का असली चेहरा देख पाया और समझ पाया कि उसने और उसकी माँ ने मुझे कितने धोखे दिए। थारी सर पर धोखा देने का इल्जाम लगा है लाड़ो, और इस डाक को थारे को ही मिटाना होगा। रणभूमि से पीठ दिखाकर भागने वाले कायर होवे हैं। अगर मारी बेटी कायर बनी ना तो ये मारे लिए सबसे बड़ा अपमान होगा। विधि का अपमान घर की लक्ष्मी का अपमान होगा बेटा, मेरे परवरिश का अपमान होगा। तुम्हें विधि को वापस लाना ही होगा, तुझे उस घर में वापस जाना होगा लाड़ा। अपने सर पर लगे हर इल्जाम को मिटाना होगा। हाथ से नवदुर्गा का शुभारंभ है और देवी माँ के नौ रूप हर नारी में बसे होते हैं। किस परिस्थिति में किस रूप को जगाना है इसका भान देवी माँ करती है। थारे अंदर देवी माँ के छुपे हुए रूप को जगाना होगा। मारे को वादा कर विधि कि थारे मथे पर लगा हर एक इल्जाम तो मिटाएगी, उस घर के हर एक सदस्य का दिल जीतेगी और अपने पति को वापस पाएगी। पर इतना आसान नहीं है, नामुमकिन भी कोणी। मेरे लिए उसको अपनाना नामुमकिन होगा मां। सॉरी माँ, पर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देख, थारे को देवी माँ का आशीर्वाद मिल गया है।
सिंदूर लगाने से पार्वती माँ सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे, और थारे को तो खुद पार्वती माँ का सिंदूर लग गयो है। अब थारे सौभाग्य की लड़ाई में इवी माँ थारे साथ होगी। वेद और विधि ये पूजा साथ में करें, मां को हार दोनों जोड़े से पहनाए। हाँ हाँ देवता, थारे को भी हार माता रानी को जोड़े से ही चढ़ाना था। खैर फर्क पड़े को नहीं, अकेले ही चढ़ा लो हार माता रानी को। देवी माँ का आशीर्वाद मिल गयो। हार वेद माला उठा लो बेटा, देवी माँ ने स्वीकार करके वापस किया है। लेकिन माजी सा हार पे तो हक पत्नी का होवे, पर देवरसा की पत्नी महारे को तो यहां दिखे कोनी। दिखे या ना दिखे पर हक तो पत्नी का ही होगा इस हार पर। बस कीजिए ना माँ, आप क्यों बार बार वेद को पीछे खींचती रहती हैं? उसे आगे बढ़ने दीजिए ना। माँ का आशीर्वाद मिला है उसे हार के रूप में। बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी साहब, इसका मतलब है कि देवी माँ भी यही चाहती है कि वेद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। देवी माँ कभी ये नहीं चाहेंगी कि वेद ये रिश्ता तोड़े जो पवित्र अग्नि के फेरे लेकर भगवान के सामने जुड़ा है। वो फेरे धोखा था माँ, वेद और विधि का कोई रिश्ता नहीं। माँ जी सा के लिए तो रिश्ता है। अंबे मां जगदंबे मां, अंबे मां जगदंबे मां, अंबे मां जगदंबे मां, अंबे मां जगदंबे मां।
लो देवरसा, अब मान भी लो माजीसा की बात और दे दो जय हार विधि को। अब वो तो यहाँ आ सके कौन, आप ही उसके घर भी आना। कभी नहीं होगा ऐसा। क्या कर रहे हो तुम? जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं तो उसका दाग अपने माथे पर लेकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं आज यहां अपनी बेगुनाही साबित करने आई। दहलीज के अंदर कदम रखते ही मुझे माँ का आशीर्वाद मिला है। आज अब रास्ता चाहे जितना कठिन हो मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगी। तो क्या ये तुम्हारी मंजिल है? अपने सुहाग का दिल जीतना और अब सबकी नफरत को प्यार में बदलना, ये है मेरी मंजिल। अच्छा लग रहा है देखकर कि तुम जंग की तैयारी से आई। जितना जोर तुम लगाओगी उतनी ही चोट खाओगी, उतना ही तुम्हें दर्द होगा और मुझे खुशी।
अच्छा हुआ तुम वापस आ गई बेटा। तुमने ये फैसला लेकर मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। नवरात्रि की पूजा तुम्हारे बिना सफल नहीं हो सकती थी। आपके विश्वास के कारण ही मैं यहां आ पाई हूं। अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, और आज के शुभ दिन में मैं आप सबसे वादा करती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए वेद जी, देवी माँ को हार जोड़े से पहनाना चाहिए।